क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों बैठे हो? रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अरे तो क्या हो गया? अरे रिजल्ट आए कम से कम, कोई ये तो बताया कि कैसी कॉपी चेक होती है, हिंदी में कितने नंबर मिलते हैं, कोई बताया नहीं ना कितने नंबर मिलते हैं, क्या खाली लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे आ जाएगा, कह रहा आ ही नहीं रहा रिजल्ट। अगर आप भी इसी तरीके से परेशान है तो टेंशन लीजिए, देखिए रिजल्ट आए ना आए वो एक अलग की बात है, लेकिन एक्चुअल में आदमी परेशान है। तो हमने कहा चलिए इस वीडियो को बनाते हैं, इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाले डेट कब है, क्योंकि वो किसी को नहीं पता, लोग नीचे कॉमेंट ऑफ कर लेते हैं, बनना सही बता रहा है, अगर कॉमेंट ऑफ ना हो लोग इतनी गालियां बक के जाएंगे तो लोग ऑफ कर लेते हैं कॉमेंट, और उसके बाद कुछ भी बक के चले जाते हैं, ऊपर लिखा होगा घोषित, अंदर कुछ नहीं होगा सर। तो कुल मिला के वो बात हम यहां पे नहीं करने वाले, आज हम आपका अपना 11 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं जो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स फील कराएगा, ठीक है सर। किस तरीके से मार्किंग होती है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट में नंबर मिलते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी फील होगा। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, जो लोग 12th में या 10th वाले भी देख रहे हैं कोई टेंशन, सबसे पहले एक हो गया हिंदी। देखो भैया हिंदी का जो खेल है, हिंदी में दो चीजें बड़ी डिपेंड करती है, डरिएगा मत बिल्कुल भी। देखो हिंदी में फेल कोई नहीं होता, अगर आपने कॉपी भी भर दी सब पास होते हैं, इसमें तो छोड़िए आपने किसी में भी कॉपी भर दी तो सब पास होते हैं, पहली बार सुन लीजिए तो आप रिलैक्स हो जाइए। अब कैसे किस चीज पर डिपेंड करेंगे हिंदी के नंबर, नंबर एक स्टार्टिंग में मेरे भाई 10 क्वेश्चन दे रखे होते हैं विकल्प वाले, देखते हैं सर क्या नाम गोदान किसकी रचना है, गवन किसकी रचना है, इस तरीके दे रखे होते हैं टिक मार्क वाले क्वेश्चन, तो या तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 10 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ये 10 क्वेश्चन नहीं, ये होते हैं आपके इंप्रेशन, इनमें से मान लिया आपके 8 क्वेश्चन सही हैं, मान के चलिए आपने 8 क्वेश्चन यहां सही किया और पूरा पेपर किया है, भले थोड़ा बना के भी किया है, हिंदी में नंबर कम से कम 80% आ जाएंगे राइटिंग अगर ठीक है तब, अगर पेपर बना के भी लिखा है और यहां पे 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे सही है, लेकिन मान लिया आपके यहां पे 2 क्वेश्चन सही है, तो कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा इंप्रेशन गड़बड़ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं 50 आ जाएंगे, तब क्या होगा आप घूम रहे होंगे सर 65 से 75 के बीच में। कुछ लोग कहेंगे फ्री की बकवास है, बकवास नहीं है, एक्सपीरियंस है जो पिछले 11 सालों से देख रहा है, ठीक है सर। तो यानी हिंदी में 65 से कम किसी के नहीं आते, अगर आदमी कॉपी भर के आया, कॉपी भर के मतलब पूरा पेपर उसने अटेम्प्ट किया है, भले ही बना के लिखा तो 60, 62, 65 राइटिंग अगर समझ में आ रही तो इतने तो आ ही जाते हैं, 50, 40, 42 बहुत कम लोगों के हमने देखे हैं जो भले इनकी किस्मत ही फूटी हुई उनकी आ जाए, वरना 62-65 के बीच आदमी घूमता है थोड़ा ठीक ठाक है तो 80+ कर जाता है। हमारे यहाँ से जितने भी लोगों ने टॉप किया, जो टॉपर रहे हैं, उन सभी के नंबर जो है वो 80 से 90 के बीच में थे, जैसे मान लिया किसी के 82 थे, किसी के 84 थे, 90+ नहीं देखे हमने, आते होंगे हमारे यहाँ से कई लोग, 11 से 12 लोग अभी तक जिले में टॉप के में आए हैं, मतलब ठीक है, जैसे अंशिका हो गई, आस्था हो गई, उसके बाद ज्योत्सना के भी नंबर ठीक ठाक थे, इधर सभी हो गई, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, दिव्या हो गई, तो जितने भी लोग हैं इन सभी के जो हिंदी में नंबर थे वो 80 से 90 के बीच में थे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में तो खेल हो गया था पिछली साल का रिजल्ट हमने जब देखा था, तो हाई स्कूल में अगर आप हैं थोक के भाव नंबर मिलते हैं, इस साल हालांकि नया पैटर्न चल रहा है तो यहां पे नंबर की मार्किंग क्या रहेगी हमें नहीं मालूम है हाई स्कूल में, वरना थोक के भाव नंबर मिलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की पिछले साल तो लोग प्रमोट हुए थे, उससे पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, 100 रिजल्ट हमने चेक किए थे, उन 100 में से अगर हम एवरेज बात करें तो 75 से 80 लोगों के नंबर 75 थे, यहां तक कि जो हमारे यहाँ की टॉपर बच्ची थी आस्था, उसका उसके भी नंबर 75 थे, अगर कोई देख रहा हो आस्था के परिवार तो कमेंट करके बताए। और एक हमारे पड़ोस में हर्षित काले वाले भैया हैं, उनकी परसेंटेज शायद ऐसे ही थी 58-59, उनके भी 75 नंबर थे, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों में फर्क नहीं, जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन हाँ नंबर दोनों के 75 थे। तो एक एवरेज मार्किंग होती है इंग्लिश में और हिंदी में, जिसमें आप 100 में 100 की उम्मीद आते होंगे किसी के, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 11-12 सालों का, एक एवरेज मार्किंग होती है, ठीक है सर। अब ये दो अगर आप एवरेज कर गए, एवरेज का मतलब यानी इनमें आपका एवरेज 75 से 80 रहा, तो फिर सर आप मान लीजिए आपने निकाल लिया, निकालने का मतलब क्या है समझाते हैं। देखिए हम यहां पे मंडल टॉप की बात नहीं कर रहे, मंडल टॉप अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, हाँ 10 से 11 लोगों ने जिले में हमारे सजापुर में टॉप में बहुत पहला स्थान तक बनाया, उसका एक्सपीरियंस मेरे पास, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है सर। अब बात कर ले रहा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की, तो भैया मैं इन तीनों में नंबर दबा के मिलते हैं अगर आपने वाकई बिल्कुल ठीक ठीक किया। दो बातें बता देते, यहां तक कि साथ में बायोलॉजी भी लेते हैं, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो 30 का प्रैक्टिकल ही हो जाता है, ठीक है, और 70 में आदमी कितना भी गिनवा उसे 40 मिल जाते हैं, यानी अगर कतई बेकार बच्चा भी है जो अपने आप को समझ रहा हो उसके भी नंबर 70 आ जाते हैं कम से कम, आराम से आएंगे। रिजल्ट आए टैली, इस वीडियो को दोबारा से खोलिएगा और नंबर टैली कर लीजिएगा सर, बिल्कुल। तो कुल मिला के कितने आ जाते हैं, 70 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चा अच्छा इसने बना बना के लिखा, तो भैया इन सब सब्जेक्टों में
70 में 70 या फिर 100 में 100 नंबर तक मिलते हैं। आस्था जो जिन्होंने जिले में टॉप किया था, यहाँ के काफी एक फेमस सर जी हैं यहाँ शाहजहांपुर में, उनके आप पढ़ती थी 100 में से शायद 97 नंबर थे, और फिर भी वो लड़की उनकी कोचिंग में टॉपर नहीं थी, उनकी कोचिंग में वो शायद तीसरे या चौथे नंबर पर थी सर। ठीक है, 100 में 98 100 में 99, सर जी की भी तारीफ करनी चाहिए। फिलहाल हम यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे, लोग कह रहे प्रचार कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 97 98 ऐसे नंबर भी आते हैं। कुछ लोग डर रहे होंगे, सर जी 97 तो छोड़िए, हमारा तो पास होना मुश्किल पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों से हम कह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने साल भर कोचिंग नहीं पढ़ी, याद करके गए, रटके गए सवाल और बना बना के कुछ भी लिख दिया, उनके भी 33 नंबर आ गए। भाई ये कोई इधर नहीं और नहीं बता पाएंगे आपको, जो पिछले 11-12 हम तो पिछले 11 सालों से, अभी 23 जुलाई को 11 साल कनेक्टेड है सर, तो हम आपको ये एक्सपीरियंस कहानियां बता पाएंगे कि इस बच्चे के इतने आए थे, इसके इतने आए थे। तो अगर आप एक एवरेज बच्चे भी हैं, तब भी फिजिक्स केमिस्ट्री जिनमें प्रैक्टिकल होता है, इनमें आप आराम से 70 नंबर ले आएंगे, बना बना के भी लिखा। और मैथ में आप कितने ले आएंगे एवरेज, तो सर 33 35 40, अगर आपका पेपर बहुत गंदा हुआ है, आपने सिर्फ बना के ही लिखा है, तो 33 मार्क्स आपको मिल जाते हैं 33, और व्यक्ति पास हो जाता है। सेम प्रोसेस। अब हम एक बात और कह रहे हैं कि साइंस साइड वर्सेस आर्ट साइड में नंबर किसमें अच्छे मिलते हैं, तो भैया साइंस साइड में नंबर हमेशा अच्छे मिलते हैं, उसका एक कारण है क्योंकि साइंस साइड में पॉइंट टू पॉइंट, हमने क्या कहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब में नंबर दबा के मिलते हैं, 100 में 100 नंबर आते हैं लोगों के। लेकिन आर्ट साइड में क्या, आर्ट साइड में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति बना के लिखता है, कुछ लाइन सर जी खोपड़ी पे खड़े हो गए आके देख रहे तो लिखने लगे इसके निम्न गुण होते हैं, सब जो लोग यही लाइन लिख लेते हैं, सर जी चले गए फिर बना के छापना शुरू, सब लोग यही करते होंगे, साइंस साइड वाले भी कुछ बच्चे ऐसा करते होंगे, जो करते होंगे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। तो ये पूरी एनालिसिस है कि नंबर की एवरेज मार्किंग कितनी हो सकती है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की मार्किंग क्या है, एवरेज मार्किंग होती है भैया, आप साफ साफ लिख देते हैं, हिंदी और इंग्लिश की एवरेज मार्किंग होती है 65 से 75, और अच्छी मार्किंग की बात करें तो 80 से 90 के बीच में नंबर घूमते हैं, किस्मत किसी की अच्छी हो 92 95 आ जाए तो हम नहीं कर रहे, हम एवरेज मार्किंग की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एवरेज मार्किंग कितनी होती है, 100 में से 70 प्रैक्टिकल मिला के, अच्छे नंबर की बात करें 95 90 से 100 के बीच में नंबर घूमते हैं। मैथ में एवरेज मार्किंग कितनी होती है, 33 से 50, ये एवरेज मार्किंग है, और अगर अच्छे नंबरों की बात करें तो 90 से 100 के बीच में इसमें भी नंबर आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा, और बाकी रह गई फेल या पास की बात, कोई फेल नहीं होता है, ज्यादातर वही फेल होता है जिसे कुछ आता ही जाता नहीं होता है, नहीं कुछ भी एक दिन पहले मॉडल पेपर खरीदते घूम रहे, उस टाइप के लोग भी पास हो जाते हैं कभी कभी, तो बहुत कम लोग फेल होते हैं, उल्टी सीधी कुछ न्यूज वायरल हो जाती है यूट्यूब वगैरह पे, 40% लोग पास होंगे, ये होगा वो होगा, वो सब बंडल न्यूज है, उन सबका कोई ताल्लुक नहीं किसी चीजों से। उम्मीद करता है अगर आपने यहां तक वीडियोस को देख लिया है, अब आपके ऊपर से काफी वजन उतर गया होगा, रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है बीडी कैडियन चैनल को। हम मिलते हैं आपसे जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।